हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का जो अध्याय 7 है, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और इसमें हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला टॉपिक है आपका निर्देशांक ज्यामिति में। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने किसी भी कार्तीय तल पर बिंदुओं को दर्शाना सीखा था। तो कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल एक तल होता है जिसमें दो अक्ष होते हैं। एक अक्ष होता है आपका एक्स एक्सिस, ये जो आपका हॉरिजेंटल है ये है आपका एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। तो ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, मैं एक बार बस रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो ये आपका एक्स अक्ष होता है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ये हमारा वाई अक्ष होता है जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, और ये दोनों मिलकर कार्तीय तल बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन जिसे कहते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या होते हैं, मार्किंग्स होते हैं 1, 2, 3, 4 और इधर माइनस में। सेम इसी तरह एक्स अक्ष के ऊपर सारे मार्किंग्स प्लस में और नीचे माइनस में। उसके बाद जो है इसमें हम किसी बिंदु को कैसे दिखाते हैं। तो अगर हम किसी बिंदु, कोई बिंदु ए ले लें, मान लिया उसका निर्देशांक है 1, 2। यदि एक बिंदु है ए, इसका निर्देशांक 1, 2 है, तो इसमें क्या होता है, पहला जो होता है ये इसका एक्स निर्देशांक होता है, और ये जो सेकेंड वाला होता है ये आपका वाई निर्देशांक होता है। इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो पहला है एक्स निर्देशांक और दूसरा है वाई निर्देशांक। तो हम बिंदु ए को इस तल पर कैसे दिखाएंगे, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है, 1 है, तो हम यहाँ एक्स के 1 जो है यहाँ पे बिंदु होगा, और वाई जो है ये 2 है, तो ये आपका 1 और ये 2 जहाँ भी आपका मिलेगा ये आपका हो जाएगा वो बिंदु, यानी कि ये है बिंदु ए जो कि है 1, 2। इसी तरह अगर हम एक और बिंदु ले लें, मान लिया -2, 3 ये है, तो ये आपका हो गया एक्स निर्देशांक, ये आपका हो गया वाई निर्देशांक। तो हम इसे यहाँ कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल पर कैसे दिखाएंगे, हमारा एक्स निर्देशांक है -2, तो एक्स -2 कहाँ है, एक्स -2 हमारा यहाँ है। उसके बाद वाई 3, तो वाई 3 कहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों, ये 3 वाली लाइन और ये 2 -2 वाली लाइन जहाँ मिलेगा ये हमारा हो जाएगा बिंदु बी। बी का निर्देशांक क्या है, -2, 3। तो इस तरह हम लोग किसी भी बिंदु को कार्तीय तल पर दिखाते हैं। तो ये आपको 9th क्लास में ही पढ़ना था, आपको ये सब चीज़ें याद भी आ रही होंगी, लेकिन आपको 10th में क्या पढ़ना है, आपको 10th में मेजरली 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला है आपका दूरी सूत्र, दूसरा है आपका विभाजन सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र, और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लास 10 में पढ़नी है, जिसमें इस वीडियो में मैं दूरी सूत्र के बारे में बात करूंगा, और देखेंगे हम लोग कि दूरी सूत्र क्या होता है, इसे हम लोग कैसे क्वेश्चंस हमारे, हमें दूरी सूत्र के कैसे मिलेंगे, हम लोग दूरी सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया कि किसी बिंदु को हम लोग कार्तीय तल पर कैसे दिखाते हैं, कार्तीय तल क्या होता है। अब आइए शुरू करते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता क्या है, दूरी सूत्र जो है वो निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बताता है। तो अगर हम दो बिंदु मान लें, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और इसके निर्देशांक x1y1 और x2y2 हैं, तो उनके बीच की दूरी जो है वो दूरी सूत्र देता है। तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, यदि हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो होता है ये दूरी सूत्र का जो है सूत्र होता है। अब हम देखेंगे कि ये सूत्र जो है वो आता कैसे, हम इसे प्राप्त कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कार्तीय तल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब अगर हम देखें तो ये जो ए है, बिंदु ए, उसमें ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, ये होगी y1। क्यों, क्योंकि अगर ये निर्देशांक y1 है, ये निर्देशांक y1 है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो ये y1 होगा। सिमिलरली अगर हम इस दूरी को देखें, ये जो आपकी दूरी है, इस दूरी को अगर हम देखें, तो ये दूरी क्या होगी,
ये x1 होगी, क्यों? क्योंकि इसका x निर्देशांक जो है वो x1 है और इसका y निर्देशांक y1 है। तो x1 का क्या मतलब हो कि यहाँ से यहाँ की दूरी x1 है तथा यहाँ से यहाँ की दूरी y1 है। तो ये हमारा x1 और y1 हो गया, ये और ये दूरी। इसी तरह अगर हम बिंदु B के लिए देखें, मैं मिटा दे रहा हूँ, तो बिंदु B के लिए अगर हम देखें तो ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे कि ये जो हमारी दूरी होगी ये होगी y2 और ये जो दूरी होगी ये x2। क्यों? क्योंकि अगर इसका x निर्देशांक x2 है, अगर इसका x निर्देशांक x2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ से यहाँ जाने में x2 दूरी तय करनी होगी। तो अगर ये और ये क्योंकि बराबर है तो अगर ये x2 है तो ये भी x2 होगा, और इसी तरह अगर ये y2 है तो ये भी y2 होगा। और हमें निकालना क्या है, हमें इसके बीच की ये दूरी निकालनी है ना, हमें ये दूरी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से मिला देते हैं ऐसे। अब जो है हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, हम जो है यहाँ पर अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल होगा है ना, ये आपका समकोण होगा, तो हम ये दूरी निकाल लेंगे और हम ये दूरी निकाल लेंगे और इन दोनों दूरी का यूज करके और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम ये ए बी निकालेंगे है ना। तो हम इस बिंदु को ओ मान रहे हैं, तो अगर हम ए ओ निकालें, ए ओ अगर हम निकालें तो ए ओ क्या होगा, तो हम निकालेंगे ए ओ। ए ओ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा जो ये जो दूरी है ये है एक्स टू है ना, ये पूरी दूरी है एक्स टू, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है एक्स वन। तो ए ओ क्या होगा, ये पूरी दूरी में अगर हम ये दूरी घटा दें तो ये दूरी हमारी निकल जाएगी, तो हम ए ओ को कह सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह हम बी ओ को क्या कह सकते हैं, बी ओ जो है हमारा बी ओ ये जो दूरी है ये क्या है, ये जो हमारी दूरी है B से लेके यहाँ X2 तक, ये पूरी दूरी है Y2, और ये O से यहाँ तक की जो दूरी है ये है Y1। तो हम इस पूरी दूरी में ये छोटा वाला घटा देंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा BO। तो ये हमारा है Y2 माइनस Y1। अब अगर हम देखें समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में अगर हम देखेंगे तो ए बी स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर के। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपने पहले पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आपने पढ़ा ही हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। अब ए बी हमें क्या है, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी क्या है, अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। हम यहाँ इसका वैल्यू बस हमें पुट करना है, तो हमारा ए ओ का वैल्यू क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बी ओ क्या है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा है दूरी सूत्र। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दूरी सूत्र जो होता है वो होता क्या है और हम इसे कैसे निकालते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हमें क्या दिया है कि बिंदुओं ए 4-6 तथा बी 2-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बिंदु दिया हुआ है, ए जिसका निर्देशांक है 4-6 तथा एक और बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है 2-3, और हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक बिंदु ए दिया हुआ है, इसका निर्देशांक हमें दिया हुआ है 4-6, तो 4-6 हमें बिंदु ए का निर्देशांक दिया है। एक और बिंदु हमें दिया है बी जिसका निर्देशांक है 2-3, और हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ एक्स वन क्या है, एक्स वन होगा पहले बिंदु का एक्स निर्देशांक, तो ये हो गया 4। वाई वन क्या है, पहले बिंदु का वाई निर्देशांक, ये हो गया 6। हमारा एक्स टू क्या है, एक्स टू है दूसरे बिंदु का एक्स निर्देशांक जो कि हो गया 2, और वाई टू क्या है दूसरे बिंदु का वाई निर्देशांक, तो ये हो गया 3। अब अगर हम लिखें दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से
दूरी सूत्र में क्या कहता है, ए बी बराबर है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा एक्स टू क्या है, एक्स टू है दो, तो दो माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है तीन और वाई वन क्या है छः, तो ये हो गया तीन माइनस छः का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट दो माइनस चार, तो ये हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस तीन का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा चार प्लस नौ, तो ये हमारा आ जाता है तेरह, है ना, ये हमारा आ जा रहा है रूट तेरह। तो हम कहेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो रूट तेरह मात्रक है, क्योंकि यहाँ हमें यूनिट नहीं दिया हुआ है। अगर यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया होता तो हम यहाँ वो मात्रक लिख देते, अगर कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ लिख देंगे मात्रक। तो इस तरह हम लोग किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। आप अगर अपने एनसीईआरटी बुक में देखें तो इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूरी सूत्र। अब अगली वीडियो में हम विभाजन सूत्र की बात करेंगे और देखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है और हम इसे कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।